रियासत में गुज़िश्ता 6 बरसों में 20 लाख से ज्यादा राशन कार्ड मंसूख किए गए हैं, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद से अब तक नए राशन कार्ड जारी करने हुकूमत से कोई इकदाम नहीं किए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में हुकूमत को वाज़ह हिदायत भी जारी की है। इसके बावजूद तेलंगाना में नए राशन कार्ड की इजराई के इकदाम नहीं किए गए, बल्कि हुकूमत से मनसूख 20 लाख राशन कार्ड में जिन लोगों ने यह दावा पेश किया था कि उनके राशन कार्ड गलत मनसूख किए गए हैं, उनके नए राशन कार्ड की इजराई के नाम पर महज 2 लाख राशन कार्ड जारी किए गए और इसके बाद से अब तक राशन कार्ड के इजराई के लिए दरख्वास्त वसूली का अमल तक शुरू नहीं किया गया। इस सिलसिले में सिविल सप्लाईज अधिकारियों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो राशन कार्ड जारी किए हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक और नई मर्दमशुमारी के बाद ही नए राशन कार्ड की इजराई मुमकिन हो सकती है। बताया जाता है कि राशन कार्ड की इजराई में महकमे सिविल सप्लाईज से इस्तफसारात के जवाब देने के बजाय महकमा ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि रियासत में जितने राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए इससे ज्यादा राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और हुकूमत जब तक नए राशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में अहकाम जारी नहीं करती उस वक्त तक नए राशन कार्ड की इजराई का कोई इम्कान नहीं है।